बाल चौपाल, बाल चौपाल। सहकार रेडियो पर ढेर सारी मस्ती और जानकारियाँ। हेलो बच्चों, सहकार रेडियो के कार्यक्रम बाल चौपाल में आज आपके साथ हूँ मैं सुनीता। ज्ञान विज्ञान की श्रृंखला में आज आप सुनेंगे मनुष्य के मनुष्य बनने की कहानी, जिसे लिखा है मीनाक्षी ने और प्रकाशित किया है बाल पत्रिका कोंपल ने। कहानी का नाम है जो मेहनती थे वे इंसान बने, जो काहिल थे वे रह गए बंदर। तो सुनो कहानी। बचपन में हमारे उधम मचाने से तंग आकर हमारी नानी कहती, बिल्कुल बंदर ही हो तुम लोग। अगर उन्हें सचमुच पता होता कि हम अपने पूर्वज बंदर नानी की ही औलादे हैं, तो वो आसमान से गिरती और कहीं उन्हें हम ये बता देते कि गुरिल्ला और चिंपांजी हमारे करीबी नाते रिश्तेदार हैं, तो गुस्से से उनकी भौंहें चढ़ जाती। वैसे ये बात अपने आप में ही मजेदार है कि गुरिल्ला, चिंपांजी और हम मनुष्यों की पूर्वज नानी एक ही थी। जीव विज्ञान और एंथ्रोपोलॉजी का इतिहास हमें बताता है कि अगर गोरिल्ला और चिंपांजी ने आलस और काहिली ना की होती तो वो भी हमारी जमात में शामिल होते, क्योंकि हमारे बंदर परदादाओं के परदादा की वो नस्ल जो मनुष्य में तब्दील होने की मंजिल तक पहुंची, वो मेहनत करने से कभी पीछे नहीं हटी। उसने साहस के साथ अपने रास्ते की तलाश की। हमारी इन पुरखिन बंदर नानी की कहानी की शुरुआत जंगलों से होती है। जब वो जंगलों में रहती और पेड़ों की सबसे ऊंची डालों पर, या यूं कहें कि ऊपरी मंजिल पर उनका बसेरा होता, तो वो एक पेड़ से दूसरे पेड़ और एक डाल से दूसरी डाल पर कुछ यूं आती जाती, मानो अपने मकान के गलियारे में ठाट से सैर कर रही हूँ और पुल पर से गुजरने का मजा ले रही हूँ। जंगल ही उनका घर था और रसोई घर उनका सैरगाह भी था और किला भी। इनका भोजन था फल और गिरियां। ऐसा नहीं कि ये उनकी पसंदीदा डिश थे, बल्कि बात ये थी कि उन्हें आसानी से हासिल हो जाते थे। जंगल की वो ऊपरी मंजिल जब हमारे इन पुरखों की लॉजिंग बोर्डिंग बन गई, तब आसानी से और तेजी के साथ वे एक दूसरे पेड़ और डाल पर कूदने लगे और पेड़ के तने पर उतरने चढ़ने के अभ्यस्त होते चले गए। उनके अगले और पिछले पैरों की बनावट में तब्दीली होने लगी। साथ ही फल तोड़ने और गिरियां फोड़ने के लिए उनके दांत मजबूत होते चले गए और उंगलियां सधती चली गईं। पर हमारी पूर्वज नानी की संतानें जंगल की कैदी थीं। वो जंगल से अलग और उसके बाहर नहीं रह सकती थीं। इसे संभव बनाया सिर्फ हमारे वानर पड़ दद्दू ने, जो उस कैदखाने की दीवार को तोड़कर बाहर निकल आए और अपने रिश्तेदार गोरिल्ला और चिंपांजियों से हटकर अपना अलग रास्ता बनाया। इनको कपिमानव भी कहा जाता है और वैज्ञानिक भाषा में पिथेकेथोयस भी कहा जाता है। ये कोई एक दिन का करिश्मा नहीं था, इसमें लाखों वर्ष लगे। अपने परिवेश के साथ जद्दोजहद में उसने खुद को बदला और अपने परिवेश को भी। हमारी पृथ्वी पर मौसम का मिजाज धीरे धीरे बदल रहा था। दिन तो गर्म रहता था पर रातें ठंडी होने लगी। घने जंगल की जगह अब पेड़ छितराने लगे थे। फल और गिरियां देने वाले पेड़ कम हो रहे थे। इन सब का नतीजा ये निकला कि हमारे वानर पड़ दद्दुओं का जंगल में रहना, घूमना फिरना, भोजन जुटाना मुश्किल होता गया। पेड़ों के दरमियान फासला बढ़ने से उन्हें एक से दूसरे पेड़ पर जाने के लिए भी डालों का सहारा ना रहा और उन्हें नीचे उतरना पड़ता। इस बात का खतरा भी लगातार मौजूद रहता कि नुकीले पंजे और पैने दांतों वाला कोई जानवर उन्हें अपने लंच या ब्रेकफास्ट में शामिल ना कर ले।
तो उनके लिए जरूरी हो गया कि वो अपने पिछले पैरों की मदद से जमीन पर चलना सीखे, पेट भरने और दुश्मनों से मुकाबला करने के लिए अपने दोनों हाथों को आजाद करें, और उन्होंने यही किया। ये चौपाए अपने चारों पैरों से चलने की जगह अपने पिछले दोनों पैरों से ज्यादा बोझ डालकर चलने लगे। हालांकि ये पूरी तरह सीधे खड़े नहीं होते थे और ना ही इनकी बाहें और हथेलियां हमारे तुम्हारे जैसे होते थे, ये उनके घुटनों से तब काफी नीचे झूलते थे। ये हाथ भले ही भद्दे थे, लेकिन उनकी हथेलियों और उंगलियों के गठन में ऐसे बदलाव आ चुके थे कि वो चीजों पर उनके हाथों की पकड़ बना सकें, वो पत्थर और टहनियों को ठीक से पकड़ सकें। हाथों को आजाद करने की प्रक्रिया कोई आनन फानन में नहीं घट गई, इसमें भी कई सौ वर्षों का समय लगा। अब हाथों के इस्तेमाल से वो पत्थरों और लकड़ी के डंडों का औजारों की तरह उपयोग करने लगे। इस तरह हमारे वानर पूर्वज ने भूख और दुश्मन को पटखनी दी। हमारी वानर नानी की दूसरे संतानों का क्या हुआ? ये वानर वनों के साथ खिसकते रहे और सदैव वनवासी बने रहे। उन्होंने सिर्फ इतना किया कि डालों पर और फुर्ती से और अच्छी तरह से कूदना और चढ़ना सीख लिया। जो ये भी नहीं कर पाए उनमें से वही बचे जो बड़े और शक्तिशाली थे। वे भारी होने के कारण पेड़ों पे नहीं रह सके और जमीन पर आने को मजबूर हो गए। हमारे ये गोरिल्ला और चिंपांजी रिश्तेदार औजार पकड़ना तो नहीं सीख पाए, बस शक्तिशाली जबड़े और बड़े दांत का ही इन्होंने हथियार बना लिए। यहीं से आदिम मानव और इनके इन रिश्तेदारों के रास्ते अलग अलग हो गए। अब हमारे ये आदिम दद्दू जो जमीन पर चलना सीख चुके थे, खुली जगहों से डरते ना थे, क्योंकि इनका पूरा झुंड अब एक साथ किसी दुश्मन का पत्थरों और डंडों से मुकाबला कर सकता था। अब इनके पास एक नई ताकत, हाथों का इस्तेमाल करने की ताकत, श्रम की ताकत, और इसी ताकत ने धीरे धीरे उन्हें वानर से मनुष्य में बदल डाला। हमारा ये आदिम पुरखा अनगढ़ पत्थरों और डंडों की जगह धीरे धीरे पत्थरों से नुकीले औजार बनाने लगा। डंडों के एक सिरे को नुकीला करने लगा। अपने भोजन के वास्ते कंदमूल को उखाड़ने के लिए वो इस नुकीले डंडे का इस्तेमाल करने लगा। नुकीले पत्थर के हथियार शिकार करने में उसकी मदद करते। वो पत्थर और डंडे के इस्तेमाल से आगे जाकर औजार बनाना सीख रहा था, पर ये कोई आसान काम नहीं था और इसके लिए उसे अच्छा पत्थर ढूंढना होता। पहले उसने खूब सख्त पत्थर ढूंढा, फिर उसने पाया कि सख्त पत्थर को काटना गढ़ना लगभग नामुमकिन सा था, तो उसने कम सख्त पत्थर का उपयोग करना सीखा होगा। उपयुक्त पत्थर ढूंढने के बाद उसे छीलने तोड़ने गढ़ने की जरूरत पड़ती। हमारा वो आदिम दद्दू श्रम कर रहा था और धीरे धीरे उसकी उंगलियां काम करना सीख रही थी। जरा अपनी उंगलियों को चलाकर तो देखो। इसके साथ एक चीज और हुई। पहले उसका पूरा समय सिर्फ अपने और अपने बच्चों के लिए खाना जुटाने में ही बीतता था, जबकि अब इन औजारों की मदद से वो अपना काम जल्दी और आसानी से निपटा लेता। इस तरह मिले खाली समय में वो औजारों को गढ़कर उन्हें लगातार अच्छे से अच्छा और तेज से तेज बनाता जा रहा था। और कंद मूल तथा छोटे छोटे जानवरों का शिकार करने वाला हमारा आदिम दद्दू अब बड़े बड़े जंतुओं का शिकार करने लगा। उसके औजार जितने अधिक सुधरते गए, वो उतना ही शिकारी जीवन अपनाता गया। इससे उसे खाने के लिए मांस उपलब्ध होने लगा, जो अधिक पौष्टिक और अधिक शक्ति देने वाला आहार था और जो कम समय लगाने से ही प्राप्त हो जाता था। इस पौष्टिकता और शक्ति से उसके दिमाग का आकार भी क्रमशः विकसित होता गया। इसके साथ ही हाथों ने पत्थर से लेकर लोहे के औजार बनाना सीखा और इस्तेमाल करना सीखा। बर्तन भांडे बनाना, खेती करना, मशीन चलाना सीखा, और श्रम की इस प्रक्रिया में उसके हाथ और सुघड़ और उपयोगी होते गए। उसकी चेतना का विकास होता गया। फिर तो कुछ भी उसके आड़े नहीं आ सका। उसने लेखनी पकड़ी, चित्रकारी के लिए ब्रश का इस्तेमाल करना सीखा, और संगीत के लिए सितार और तबले पर उसकी सधी उंगलियां कुशलता से दौड़ने लगी। तक दिना दिन तक एक अकेली चीज जिसने हमारे आदिम दद्दू को आदमी बनाया, वो था उसका समूह में रहना, समूह में शिकार करना और समूह में औजार बनाना, यानी
सबके साथ मिलकर श्रम करना। यहाँ एक अकेले ने नहीं बल्कि पूरे समुदाय ने अपना हाथ और दिमाग एक साथ लगाया। आज की हमारी दुनिया अपने तमाम आविष्कारों के साथ ही ऐसे ही बनी, करोड़ों लोगों के श्रम की बदौलत। तो बच्चों, अभी आपने सुनी मनुष्य के विकास की कहानी। आप सुन रहे थे सहकार रेडियो का कार्यक्रम बाल चौपाल। आपको ये जानकारी कैसी लगी कमेंट बॉक्स में लिखकर हमें जरूर बताइएगा। अगर आप ये कार्यक्रम पहली बार सुन रहे हैं और हमसे जुड़ना चाहते हैं तो व्हाट्सएप ग्रुप से जुड़ने के लिए 9617226783 पर अपना नाम और जिला लिखकर भेजें। फेसबुक से जुड़ने के लिए पेज लाइक करें, या फिर अगर आप हमसे YouTube पर जुड़ना चाहते हैं तो हमारा चैनल सब्सक्राइब करें। अधिक जानकारी के लिए हमारी वेबसाइट sahakarradio.com देखें। तो आज के लिए बस इतना ही। अगले हफ्ते ऐसे ही किसी और रोचक कार्यक्रम के साथ फिर मिलेंगे। तब तक के लिए दीजिए इजाजत मुझे यानी सुनीता को। बाय बच्चों। सहकार रेडियो पर ढेर सारी मस्ती और जानकारियां।